और चलिए अब आपको तीन तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं बारिश की कि किस तरह से बारिश हो रही है, कहीं पर थोड़ी सी समस्याएं भी आ जाती हैं। और सवाई माधोपुर, झालावाड़, इटावा, कोटा की ये तस्वीरें हैं। ये तीन तस्वीरें हैं जहां पर पानी बहता हुआ नजर आ रहा है, बांध जो हैं वहां लबालब नजर आ रहे हैं। हालांकि पहले ये बांध भर चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि इस बार बारिश इस तरह की राजस्थान में हुई है कि आने वाला एक साल पानी की किल्लत तो राजस्थान में नहीं रहने वाली है। तो सवाई माधोपुर के बोली में तीन दिनों से बारिश का दौर जारी है। तीन दिनों में 54 mm से अधिक बारिश दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में बरसा 26 mm पानी, तो 1 जून से अब तक 696 mm बारिश हो चुकी है। औसत बारिश 550 mm के मुकाबले वर्ष भर में हुई 729 mm बारिश। और क्षेत्र के सभी जलाशयों में पानी की पर्याप्त आवक है। वर्तमान की फसलों के खराब होने का संकट नजर आ रहा है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा, अतिवृष्टि होना भी नुकसानदायक होता है फसलों के लिए। तो वहीं झालावाड़ में कालीसिंध डैम का एक गेट खोला गया है। एक गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। 7000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। कल दिन और रात में बारिश के बाद डैम में पानी की आवक हुई थी। आज भी बारिश के आसार जारी हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। झालावाड़ में ये येलो अलर्ट जारी हुआ है। तो कोटा के इटावा में खातोली की पार्वती नदी में फिर से उफान आया है। पार्वती नदी की पुलिया पर 2 फीट की चादर चल रही है, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। MP में हुई बारिश का पार्वती नदी पर असर दिखाई दे रहा है। बीती रात में नदी की पुलिया पर पानी आ गया और उफान आने से स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुर राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। राजस्थान का मध्य प्रदेश से संपर्क कटा है और इस मानसून सत्र में 11वीं बार उफान पर पार्वती नदी आई है। तो पार्वती नदी हो, कोटा इटावा की तस्वीरें हो, झालावाड़ जहां पर एक गेट खोलना पड़ा, या फिर सवाई माधोपुर जहां पर तीन दिन से बारिश हो रही है और इस बारिश से नुकसान फसलों को, क्योंकि अभी ये फसलें जो हैं अच्छी खासी इस मानसून में नज़र आ रही, लेकिन अगर अतिवृष्टि होती है तो फसलों को नुकसान भी होता है। तो ऐसी ही सवाई माधोपुर में कुछ तस्वीरें हैं, जलमग्न कई इलाके नज़र आ रहे हैं। तो वहीं झालावाड़ में एक गेट खोल दिया गया है और आने वाले टाइम में भी कहा जा रहा है कि बारिश की संभावना हो सकती है, येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो कोटा इटावा में, जो मध्य प्रदेश में MP में बारिश हुई है, उसका असर नज़र आ रहा है। पार्वती नदी उफान पर नज़र आ रही है। तो विदाई से पहले मेघ मल्हार नज़र आ रहे हैं, बारिश नज़र आ रही है और थोड़ी सी ये बारिश जहां सुहाना मौसम कर देती है तो कई बार थोड़ी सी परेशानियां भी खड़ी कर देती है। और ललित बंसल हमारे साथ इटावा से जुड़ गए हैं। ललित, पार्वती नदी उफान पर बताई जा रही है, क्या कुछ अभी जानकारी, क्या अभी भी बारिश हो रही है? जी मेगा, बिल्कुल बता दूं, कल दोपहर को बारिश का दौर शुरू हुआ। कुछ समय के लिए थमा भी था लेकिन लगातार बारिश का दौर जारी है। बीती रात्रि को करीब 10 बजे बारिश का दौर शुरू हुआ, निरंतर रुक रुक कर बारिश होती रही है और अल सुबह से एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हुआ है, जिसके चलते लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। और इस बारिश के दौर के चलते राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली जो पार्वती नदी की पुलिया है खातोली की, उस पर भी उफान आया है। नदी की पुलिया पर करीब 4 फीट पानी की चादर चल रही है, जिसके चलते स्टेट हाईवे 70 कोटा श्योपुर राजमार्ग तो अवरुद्ध हुआ है, साथ ही राजस्थान का मध्य प्रदेश से भी संपर्क कट गया है। मेगा, मैं आपको बता दूं कि सावन के 1.5 माह बाद ये बारिश की बौछार कहीं ना कहीं किसानों के लिए भी दुखदायी साबित हो रही है। जहां उड़द और सोयाबीन की जो फसल थी वो कटकर तैयार होने के कगार पर थी और फसल को घर लाने की उम्मीद किसान लगाए बैठा था, लेकिन ऐसे में इन मेघ मल्हार ने कहीं ना कहीं किसानों की जो पीड़ा है उस पर एक बार फिर मरहम की जगह घाव देने का कार्य किया है और किसानों की जो पीड़ा है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। और लगातार इस बारिश से किसान परेशान है। उड़द और फसल जो सोयाबीन की फसल है उसके पूर्ण रूप से, थोड़ी सी परेशानी किसानों को हो रही है। जयपुर का रुख कर लेते हैं, शिखा हमारे साथ जुड़ गई है। शिखा, कहाँ पर आप मौजूद, किस तरह की तस्वीरें? जी
देखिए मेघा, दिल्ली एनसीआर से लेकर अब राजस्थान तक मौसम सुहाना हो गया। इस वक्त मैं सहकार मार्ग पर मौजूद हूँ जयपुर के, और देखिए आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि सुबह से ही बादलों ने आसमान में डेरा डाला था और अब जो है बारिश का दौर शुरू हो गया है। हालांकि जो मौसम विभाग है वो पहले ही ये संभावना जता चुका है कि पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी जो राजस्थान है इसके कई जिलों में बारिश होने के आसार लगातार बने हुए हैं। देखिए कल भी जो है बारिश का दौर जयपुर में देखने को मिला, चाहे ग्रामीण इलाके हों वहाँ भी हल्की फुल्की बारिश देखी गई। तो वहीं बात की जाए मेघा, तो 2016 के बाद सितंबर माह के आखिरी हफ्ते में ऐसी स्थिति अब पहली बार बनी है जब मानसून की वापसी हो रही है। एक तरह से मानसून वापस सक्रिय हो गया है और अभी बारिश का दौर जारी रहने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक अगर बात की जाए तो मौसम विभाग ने यही चेतावनी भी जारी की है कि पूर्वी और दक्षिणी जो राजस्थान है उसके कई इलाकों में बारिश का दौर इन दिनों देखा जा सकता है। तो वही बात की जाए दिल्ली एनसीआर में भी लगातार बारिश हो रही है और उसकी जो है यहाँ तक जो है वही महसूस किया जा सकता है कि राजधानी जयपुर में भी किस तरह के हालात बने हुए हैं। मौसम जो है सुबह से ही सुहावना हो गया है और कल भी अच्छी बारिश देखी गई। देखिए हरियाली का दौर भी मेघा, आप मेरे पीछे देख सकती है किस तरह की हरियाली हो गई है, एक तरह से पेड़ पौधों में भी जान आ गई है। क्योंकि देखिए लगातार कई दिनों से बारिश का दौर थमा हुआ था, पहले जिस तरह से मानसून सक्रिय रहा प्रवेश के साथ ही, लेकिन बीच में बारिश का दौर कुछ थमा, लेकिन मौसम विभाग ये लगातार चेतावनी दे चुका है कि सितंबर माह में बारिश वापसी होगी बारिश की और वापस से एक बार फिर से मानसून एक्टिव होगा। तो वहीं अब बारिश के होने से तापमान में भी गिरावट आई है। अगर मेघा इस वक्त के तापमान की बात की जाए तो जयपुर में 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास का तापमान हुआ है। ऐसे में जो गर्मी और उमस से लोग कई दिनों से परेशान थे उन्हें कहीं ना कहीं राहत मिली है। क्योंकि देखिए बीते कई दिनों से जब बारिश थमी थी तो ऐसे में तापमान लगातार बढ़ रहा था और लोगों को गर्मी जो है सता रही थी। तो वहीं पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए तो पश्चिमी राजस्थान के कई जिले ऐसे जहां अभी यही संभावना है कि वहां मौसम शुष्क बना रहेगा, यानी कि लगातार मौसम जो है वो तापमान जो है लगातार वो बढ़ता रहेगा और वहां पर गर्मी। हालांकि अगर जयपुर की बात करें तो थोड़ी सी राहत गर्मी से मिलती नजर आई है, तो वहीं कोटा इटावा में थोड़े हालात खराब है क्योंकि पार्वती नदी उफान पर है और फसलों को भी थोड़ा नुकसान बताया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों सहयोगियों का हमसे जुड़ने के लिए।